पीटर सर आओ, जल्दी आओ पीटर, पीटर सर आओ, चल जल्दी आओ। चलो भाई चलो, को आप देख रहे हैं इस समय हम संदीप साहब ले रहे हैं। चलो जी, चलो जी, आगे आगे। और इस समय आप देखेंगे पीडीपी ऑफिस में जो है वो मनाया जा रहा है, और आज यहाँ पे जो है वो देश का तिरंगा झंडा जो है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। और ये तस्वीरें इस समय पीडीपी ऑफिस जम्मू की जो है वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत नायक जया हे भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा चल चल तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग विधाता, हमारा हेडक्वार्टर है पीडीपी का, उसमें हम सेलिब्रेट किया है और सारे ही हमारे लीडर साहबान यहाँ पहुँचे हैं। और हम ये तोका रखते हैं, जैसे कि हमारे सीनियर लीडर जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र मन्हास जी ने कहा कि अगले साल के लिए हम उम्मीद रखते हैं कि ये लोगों को यहाँ स्टेटहुड मिले और लोगों की चुनी हुई सरकार मिले और लोग अपनी डिमांडें यहाँ रखें। और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की, पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से सारे हिंदुस्तान के लोगों को और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं उनको बधाई देता हूं। और ये हम तवक्का रखते हैं कि अमन मान से ये रहें, भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बन के रहें और मुल्क की डेवलपमेंट। और जैसे कि शहीद लोगों ने, शहीदियों ने शहीदी दे के 1947 में आज़ादी हासिल की है, वो आज़ादी को हम बहाल रखने के लिए आपस में प्यार बना के रखें, एक गुलदस्ते की तरह सब इकट्ठे रहें और मुल्क की बेहतरी के लिए और तरक्की के लिए काम। अरीन साहब ने सब कुछ आपको बता दिया, मगर मैं साथ में ही सबसे पहले इस देश के, इस हमारे जम्मू कश्मीर लेक के देशवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपनी शहादत के, जिन्होंने अपना खून पसीना, अपनी पूरी ज़िंदगी जवानी इस देश के ऊपर निशावर कर दी, और आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और बाकी उन सब साथियों को याद करते हैं कि जिनकी वजह से हम आज लोग आज़ाद हैं। वो बेगुमनाम लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर इस देश पर निशावर हो गए, फांसियों पर झूल गए। आज जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उन सब साथियों को याद करती है, और ये जो आज हम परम मना रहे हैं 15 अगस्त का, ये हमारा समर्पित है उन लोगों के लिए। और उम्मीद करते हैं आने वाला जो जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है, जैसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और हम लोग इस स्टेट में आज़ादी की खुली सांस में हवा लें, जो आज महसूस कर रहे हैं कुछ लोग, यूटी बनने के बाद हम पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ऑल पार्टीज कर रही हैं। और अगले 15 अगस्त तक हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये वो सब कुछ मिल जाएगा, और आपके सामने फिर एक बार उन देशवासियों को, पूरे उन सेनानियों को लख लख बधाई जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, और जो लोग आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, उन सबको आज लख लख बधाई। और इस देश को सबसे पहले तरक्की की तरफ ले जाएं, ये हमारा विजन है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, मिलजुल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा हम देते हैं और देश को तरक्की की तरफ ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।